एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल पोनी टेल हेयर स्टाइल, जो कि ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है। कल कमेंट आया था कि मैम पोनी टेल हेयर स्टाइल्स बताइए, तो आज मैं आप लोगों को देखते हैं कितने हेयर स्टाइल बता पाती हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड जो मेरा सेकंड चैनल है प्रीति वाई टू, वहाँ पर सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको। जिसको भी सिलाई कोर्स सीखना हो उस चैनल पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो प्लीज़ जाके सपोर्ट कीजिएगा और मेरी फ़नी वीडियोज़ देखने के लिए रील्स इंस्टा रील पे जाके देख सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी प्रीति वाई 24 है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हो। सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ। जैसे आप काजल अप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई किया हुआ है, तो कई बार हम लोग लाइनर टाइप का काजल लगाते हैं, चौड़ा चौड़ा होके लगाने में तो बहुत अच्छा लगता है, 5-10 मिनट तक बहुत अच्छा लगता है काजल। थोड़ी देर बाद से क्या होता है, फैल जाता है, कितना भी जैसे वाटर प्रूफ हो फैल जाता है मसलने वगैरह पे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इस टाइप का पतला वाला ब्रश आता है आपके मेकअप ब्रश में, इस तरीके का ब्रश ले लेना है। देन आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लेना है और अपने काजल के जस्ट नीचे इस तरीके से, या फिर काजल के जस्ट ऊपर भी अप्लाई कर दोगे तो आपका काजल बिल्कुल नहीं फैलेगा, वैसे का वैसे रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और काजल लगाए हो तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, मसलिए नहीं आँख को, मसलेंगे तो ज़रूर फैल जाएगा। तो इस तरीके से लगा दोगे तो जैसे अपने आप जो फैलता है वो नहीं फैलेगा। वाटरप्रूफ काजल यूज कर रहे हो, कोई सा भी काजल यूज कर रहे हो आप, इस तरीके से आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो पिक करके इस तरीके से काजल के ऊपर अप्लाई कर दो, तो आपका काजल एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत अच्छे से टिका रहेगा आपकी आंखों में, बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छा लगा हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, पोनी टेल हेयर स्टाइल बता रही हूँ, तो इस तरीके का ब्लैक रबड़ बैंड लिया है मैंने। फर्स्ट हेयर स्टाइल के लिए आप चौड़ा रबड़ बैंड भी यूज कर सकते हो, चौड़े वाले रबड़ बैंड से बहुत ईजिली आपका पोनी टेल बन जाएगा। इस तरीके से सिंपली कॉम करना है। हाई लो मीडियम आपकी चॉइस है, आपको किस तरीके का पोनी पसंद है। दैट्स इट, फर्स्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से जैसे मेरे हेयर नीचे से पतले हो गए हैं, ऐसे आपके भी हैं, तो आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा हेयर लेके बालों में बैक कॉम्बिंग कर दोगे, जिससे कि आपका वॉल्यूम अच्छा दिखेगा आपके बालों में और आपकी पोनी जो नीचे से अजीब सी दिख रही है वो भी ठीक हो जाएगी। और लुक अच्छा आ जाएगा बालों का और नीचे से पूंछ जैसा नहीं लगेगा और अच्छा दिखेगा। तो आई होप कि पसंद आया हो ये ट्रिक। थोड़ा सा ऊपर से हेयर को छोड़ दीजिए और नीचे वाले हेयर में अच्छे से बैक कॉम्बिंग कर दीजिए यहाँ पे, और बस दोनों हेयर्स को मिला दीजिए, तो ये आपका लुक थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा पतले बालों में। आप इस तरीके से पोनीटेल बना के छोड़ सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए, और या फिर आप कर्लर से थोड़ा थोड़ा हेयर को कर्ल कर सकते हो, जिससे कि आपका पोनीटेल का लुक अच्छा आएगा। यहाँ पे भी हेयर झड़ जाने की वजह से कई बार हमारा फ्लैट हो जाता है लुक, तो इसको थोड़ा थोड़ा खींच के आप बाउंसी यहाँ पे बना सकते हो, जिससे कि आपका लुक अच्छा आए। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, बहुत ही ईजी है। मोटा वाला रबड़ बैंड लगाओगे तो और भी अच्छा दिखेगा, बट मैंने यहाँ पे पतला वाला लगाया। अगर आपके पास भी इस तरीके का पतला वाला रबड़ बैंड है, थोड़ा टाइटली लगाइएगा तो बिल्कुल भी आपका पोनीटेल नहीं बिगड़ेगा। तो चलते हैं सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल में आपको करनी है मिडिल पार्टीशन, साइड पार्टीशन भी कर सकते हो। इस तरीके से हेयर को लेना है, अच्छे से कॉम करके इस पोनीटेल को आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं बनाना है। बस रबड़ बैंड लगा देना है
नीचे से मैंने 3 उंगली का गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे। रबर बैंड लगाने के बाद से यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हेयर खींचेंगे, जिससे कि आपके क्राउन एरिया में थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे बालों में। ओके, इस तरीके से बाउंस आने के बाद से आपको सिंपली अपने दोनों साइड से हेयर को मिडिल एंड साइड पार्टीशन आपकी चॉइस है। मिडिल पार्टीशन रखोगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, और साइड पार्टीशन रखोगे तो मैं यहाँ पे साइड पार्टीशन रखूँगी अपने बालों का। जो भी हेयर आपके ऊपर से जा रहे हैं उनको अच्छे से सिक्योर कर लीजिएगा, ताकि आपके जो क्राउन एरिया पे क्लीन दिखे हेयर एंड अच्छा लुक आए। अब इस साइड से आपको सिंपली लेके जाना है। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपके यहाँ से साइड स्कैल्प दिखते हैं, बैक कॉम्बिंग पहले कर लीजिए बालों में, उसके बाद हल्का हल्का कॉम्ब कीजिए एंड पीछे की तरफ लेके जाइए, तो आपका साइड स्कैल्प हाइड हो जाएगा। देन ऊपर की तरफ से लेके जाएंगे एंड रबर बैंड के चारों तरफ लपेट के इसको टिक टैक क्लिप से सिक्योर कर देंगे। दूसरी साइड से भी इस तरीके से कॉम करेंगे। इस साइड से लेके जाएंगे पोनी टेल के चारों तरफ लपेट देंगे और टिक टिक क्लिप, उसी क्लिप में मैं सिक्योर कर दे रही हूँ इसको। और ये हमारा सेकेंड पोनी टेल हेयर स्टाइल बन के रेडी हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है एंड काफ़ी इजी है। तो आज मैं आपको सारे इजी एंड क्विक पोनी टेल हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो इसमें अगर आपके बाल थोड़े पतले भी हैं, आपने लो बनाई हुई है, तो नीचे से लुक इसका ख़राब नहीं आएगा, अच्छा लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये हमारा सेकेंड पोनी टेल हेयर स्टाइल हो गया। और इस तरीके का बेबी हेयर्स हैं तो आप सेटिंग स्प्रे या जेल अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ये जेल या सेटिंग स्प्रे लगाने से आपका जो हेयर स्टाइल है वो एलिगेंट दिखता है एंड लुक अच्छा आता है, इसीलिए मैं बताती हूँ कि आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। एक सेटिंग स्प्रे तो होना ही चाहिए सबके पास। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया, जो कि काफ़ी ईजी है, क्विक है एंड स्टाइलिश भी है। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको अपने सेंटर पार्टीशन से थोड़ा सा हेयर लेना है, देन इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड इसको क्रॉस कर देना है ऐसे। ओके, ऐसे क्रॉस करना है, टाइटली होल्ड करना है इसको। जैसे हमने ये ऊपर से लेयर गया है, तो इस साइड से दोबारा से हेयर लेंगे और इसके ऊपर से क्रॉस करते जाएंगे। इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल एंड आपको ये वेस्टर्न लुक के साथ भी जाएगा, इंडियन के भी साथ जाएगा। तो आपको जैसा भी आप ड्रेस बना पहन रहे हो, सारे हेयर स्टाइल के साथ ये जाएगा। टाइटली रखना है, लूज नहीं छोड़ना है इसको। और इसमें आप बालों को ओपन भी रख सकते हो एंड पोनी भी बना सकते हो। ये वाला मैंने और भी हेयर स्टाइल के साथ बताया हुआ है, देखिए कितना प्यारा सा और इजी बन गया, बहुत इजीली बन गया। अब आपको दोनों साइड से अपने हेयर को लेना है सिंपली। अगेन एक पोनी बना लेनी है। इस वाले हेयर स्टाइल के साथ थोड़ा सा हाई पोनी बनाइएगा, अच्छा लगता है। सेटिंग स्प्रे लेके अपने ये साइड स्कैल्प के हेयर को अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आपका पोनी हाई नहीं बन रहा है, तो आपको थोड़ा सा लेयर हेयर का सेक्शन उठाना है, देन इस तरीके से एक क्लचर अप्लाई कर देना है यहाँ पे, तो आपकी पोनी जो है वो हाई बन जाएगी। ये देखिए फ्रंट से भी इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है हेयर स्टाइल का, देन साइड से भी।
और ये हमारा थर्ड पोनीटेल हेयर स्टाइल बन के रेडी है, जो कि काफ़ी इजी है, क्विक है एंड स्टाइलिश है, एंड वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी जाएगा। चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ पोनीटेल हेयर स्टाइल को मैं बताऊंगी बिल्कुल हाई, और किस तरीके से अगर आपका लुक नीचे चला जाता है, मतलब पोनी नीचे चली जाती है, तो आप उसको हाई रख सकते हो। तो सिंपली आपको इस तरीके से पोनी बना लेनी है एक। यहाँ पे मैंने क्राउन एरिया पे अपनी पोनी बनाई है। अब आपको क्या करना है, अपने हेयर को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पे इस तरीके का क्लचर लेना है, रबर बैंड के ऊपर से ही अप्लाई करते हुए इसको लगा देना है, और इसको ये आपका हाई पोनीटेल बन के रेडी हो गया है, जो कि काफ़ी इजी है एंड काफ़ी स्टाइलिश क्विक बन जाएगा आपका। यहाँ से मैं अपने हेयर को थोड़ा थोड़ा खींचूँगी, जिससे कि मेरे हेयर में थोड़ा बाउंसनेस आ जाए, पफ का लुक आ जाए फ्रंट से, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा लगता है। इस वाले हेयर स्टाइल में आप लेयर्स भी निकाल सकते हो एंड सेटिंग स्प्रे से अपने साइड के हेयर को सेट भी कर सकते हो। तो है ना बहुत ही इजी सा। इसमें आपके सबसे अच्छी बात की पतले हेयर हैं, तो क्लचर लगाने की वजह से बाउंस आ गया है, जिसकी वजह से आपका हेयर स्टाइल थोड़ा और भी अच्छा दिख रहा है। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। सिर्फ एक क्लचर रबर बैंड की मदद से आप इतने सारे पोनीटेल हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलते हैं पाँचवें पोनीटेल हेयर स्टाइल की तरफ। जो पाँचवा पोनीटेल हेयर स्टाइल है, ये मैं बहुत बहुत ज़्यादा टाइम से बनाती थी। अभी तो फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया था, शादी से पहले बनाती थी। तो इसके लिए आपको मिडिल पार्टीशन कर लेनी है बालों की, साइड पार्टीशन भी रख सकते हो, मैं मिडिल पार्टीशन से बता दे रही हूँ। ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेनी है, बाकी सारे हेयर को अच्छे से कॉम करके एक पोनी बना लेनी है। तो आपको मेरे चैनल पे इसी तरीके की बहुत सारी इजी एंड हेल्पफुल वीडियोस हेयर स्टाइल से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। अच्छे से कॉम करके रबर बैंड लगा देना है बालों में। रबर बैंड लगाने के बाद से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा हमारा वॉल्यूम आ गया है बालों में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपली फ्रेंच चोटी बनानी है। थोड़ा थोड़ा लेयर ऐड करते जाना है बालों में दोनों साइड से। इस तरीके से बनाते जाना है। थोड़ा इस तरीके से बनाएगा ऊपर की तरफ, ताकि जो आपकी मांग है, यहाँ से जो स्कैल्प दिखती है वो ना दिखे और हेयर स्टाइल का लुक अच्छा आए। एंड तक चोटी गूंथ लेनी है इसमें।
इसके बाद इसको बैक साइड में लेके जाना है देन रबड़ बैंड के ऊपर से लपेटते हुए बॉबी क्लिप या फिर टिक टेक क्लिप से सिक्योर कर लेना है नीचे की तरफ। सेम इसी तरीके से इस साइड भी बनाना है, सेम इसी तरीके से आपको इस साइड भी बना लेना है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैंने ब्राइड बना ली है, फ्रेंच ब्रेड एंड तक पूरा गूथ लेंगे। उसके बाद से अगेन बैक साइड में लेके जाएंगे रबड़ बैंड के चारों तरफ से लपेटते हुए नीचे की तरफ लाके बॉबी क्लिप से या फिर टिक टैक क्लिप से सिक्योर कर देंगे। और ये हमारी पांचवा पोनी टेल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप कहीं भी जा रहे हो मार्केट वगैरह तो बना सकते हो एंड बहुत इजीली आप बना लोगे। और ये भी साड़ी सूट सबके साथ जाएगा। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल आप लोगों को? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी इस तरीके की हेल्पफुल एंड ईजी हेयर स्टाइल की वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।